महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और नए उद्योग के लिए प्रेरित करना यह बड़ा कार्य है। महिला सक्षम बनेगी तो परिवार का भी विकास होगा, यह कहना है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का। शनिवार को उन्होंने नागपुर के रेशिमबाग स्थित स्मृति मंदिर में दो दिवसीय सहकार भारती महिला राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनने का संदेश भी दिया। शनिवार को नागपुर के रेशिमबाग स्थित स्मृति मंदिर में दो दिवसीय सहकार भारती महिला राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकार भारती ने देश में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। समाज और देश के लिए समर्पित किया है, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हम सबको मिलता रहा है। मैं यहाँ पर जितनी जो बहनें आई हैं, मैं उनसे को बताना चाहती हूँ कि करीब 42 वर्ष हो गए मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का ये सफर रहा है, और ऐसे इस 42 वर्षों में मैं विभिन्न कई दायित्वों में रही हूँ। सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर मैंने कार्य करना प्रारंभ किया था छात्र जीवन से ही, जैसे कि बहन कंचन गडकरी जी ने कहा, संवेदनशीलता, नम्रता, सहनशीलता जीवन में बहुत आवश्यक होता है, और यही भाव से मैंने के बीच जाकर कार्य किया, और उसी संवेदनशीलता ने मुझे काफी सम्मान भी मिला। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कभी जीवन में मैं विधायक भी बनूंगी, मंत्री भी बनूंगी, या सांसद भी बनूंगी, या दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग में मेंबर और एसटी कमीशन की वाइस चेयरमैन तक का, और आज जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जिनके साथ मैंने काफ़ी समय हर कुछ ना कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से बिताया है, ना मैंने सोचा था ना उनने सोचा था कि आज मैं आपके सामने राज्यपाल के रूप में आऊँगी। काम तो करती, उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है और सोचती है कि हम उन समाज की महिलाओं के लिए क्या कर सके, लेकिन जो चीज, कोई भी चीज अगर वो अपने आर्थिक दृष्टि से मार्केट के लिए या कुछ उत्पादन अगर वो करती है, तो उसके लिए जब तक मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो, तब तक वो लोग तमाम सारी चीजों को बनाकर भी उसका अगर कोई लाभ नहीं मिले तो फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन देश में सहकार भारती ने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी हमारी बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज जो भी कुछ हमारे देसी प्रोडक्ट हैं, जो कार्य कर रही हैं विभिन्न प्रकार से, आज उसके लिए बहुत सारा अन्य अन्य क्षेत्रों में बाजार भी उपलब्ध होगा, ताकि हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उनमें हो सके, जो कि काफी सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने सरकार भारती संगठन का अभिनंदन भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सक्षम बनाना होगा, खासकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा। साथ ही महिलाओं को छोटे बड़े उद्योगों की जानकारी देनी होगी, और इसके लिए सरकार भारती कार्यकारी है, जो कि अच्छी बात है। भावना है क्या है? देखिए, ये यहाँ तो सहकार भारती के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ये महासम्मेलन का आयोजन किया गया, और यहाँ मुझे देश भर की जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं सहकार भारती से जुड़ी हुई, तो उनके इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था,
और इसलिए मैं पधारी हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी भी हुई और मैं आते भी रहती हूँ कि ये एक सहकार भारती के द्वारा पूरी महिला देश भर की महिलाओं का ये जो एक संगठन इन्होंने जो तैयार किया है ये अपने आप में बहुत ही कहना चाहिए महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की दिशा में ये उनका जो प्रयास हो रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है कि आज ऐसे प्लेटफार्म की आवश्यकता है। आज देश में महिलाओं की जो आर्थिक और सामाजिक और तरह अलग अलग जो शैक्षणिक दृष्टि से जो स्थिति है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए और तमाम शैक्षणिक दृष्टि से देखें या फिर हम आपको आर्थिक दृष्टि से देखें हर क्षेत्र में महिलाओं को जोड़ें ताकि वो समाज और राष्ट्र की सेवा करते हुए एक देश में उन गरीब तबके की बहनों को सशक्त कर सके जो शोषित है, पीड़ित है, दुखी है। आज वो हजारों महिलाओं को इस संस्था के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रही है। ये वो बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, मैं उन्हें सभी बहनों को बधाई देती हूँ, सहकार भारती के हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारियों को भी बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ये उनका इस तरह का प्रयास बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। इस अधिवेशन में 27 राज्यों से करीब 2000 से अधिक महिला उद्योजिका शामिल हुई है। उन्होंने स्मृति मंदिर परिसर में कई चीजों के स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, खाने पीने की चीजें, कई तरह के आयुर्वेदिक तेल जैसे स्टॉल शामिल है। इस अधिवेशन में महिलाओं के लिए विशेष चर्चा सत्र भी रखा गया, जिसमें सफल महिला उद्योजकों ने महिलाओं को नए नए छोटे बड़े उद्योग शुरू करने की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी, MSME के सचिव प्रशांत पालीवाल, कांचन गडकरी, शताब्दी पांडे, विवेक जुगाड़ी समेत अन्य अतिथि और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।